बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर। जॉब्स एमसीक्यूज यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, सऊदी अरब में स्कूल टीचर्स की नौकरियाँ आ गई हैं और इसमें जो है पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल दोनों अप्लाई के लिए एल हैं। खाना जो है आपका फ्री होगा, वीज़ा आपको फ्री मुहैया किया जाएगा, रिहाइश भी आपकी फ़्री होगी। इसके साथ साथ आपको 7,000 रियाल तनख्वाह भी दी जाएगी। अप्लाई का तरीका इंतहाई आसान है, कोई फ़ी वगैरह नहीं है। अप्लाई का तरीका ऑनलाइन है, वो भी मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। आगे वीडियो में तमाम तर तफसील की किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, किस तरह से आपने जो है इसकी वेबसाइट पर जाना है, कौन कौन सी पोस्टें हैं इसमें, तो मुकम्मल तफसील के साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल जॉब एमसीक्यूज़ पर नए आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल जॉब एमसीक्यूज़ को सब्सक्राइब करें, आगे बेल वाली आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसके अलावा मैंने एक और जॉब भी अपलोड की थी टीचिंग के हवाले से और वो दुबई के लिए थी, तो इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसमें भी लाजमी अप्लाई करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि हम ऑफिशियल जो है ब्राउज़र पर आ गए हैं। किसी भी ब्राउज़र पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपने टाइप करना है 20 जद्दा। जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे, सबसे पहले वाला जो स्कूल है तो इस पर जो है आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा तफसील के साथ कि कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इसका ये ऑफिशियल इसका ऑफिशियल ये वेबसाइट है जो कि ओपन हो गया है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें जो है जॉब्स आई हैं, तो ये जॉब मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करना है जॉइन अस। यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है रिक्रूटमेंट पर, रिक्रूटमेंट पे आना है। इस पर आने के बाद फिर आपने थोड़ा सा जो है वेट करते हैं, ये ओपन होता है। ओपन पे आने के बाद फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जो है इसकी अप्लाई वगैरह करनी है। ये आप देख सकते हैं इसका ये ओपन हो गया है। करंट वैकेंसी जो है इसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की वैकेंसी आ गई हैं। टीचिंग की वैकेंसी है सेकेंडरी स्कूल के लिए, मैथमेटिक की टीचर की, केमिस्ट्री की, और इसके अलावा प्राइमरी सब्स्टिट्यूट क्लास टीचर की, अपर प्राइमरी क्लास टीचर की, ये मुख्तलिफ टाइप की असामियाँ हैं। पार्ट टाइम नर्स की, इसके अलावा कवर टीचर की, इसके अलावा लाइफ गार्ड की, तो ये मुख्तलिफ किस्म की असामियाँ जो है आ गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टीचर है ये सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, दिखा देता हूँ आपको इसका ये ऑफिशियल जो इसका एड है। थोड़ा सा मैं जूम करके आप सबको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जद्दा में जो है जैसी इसकी ये जॉब्स आई हैं, तो ये टीचर की ज़रूरत है इसको मैथमेटिक की सेकेंडरी स्कूल के लिए। अगस्त 2024 में इसका सेशन शुरू होगा, इसके लिए ज़रूरत है। इसमें जो है आपने वर्क करना होगा मॉडिफाइंग यूके नेशनल करिकुलम यानी की स्टेज 3 के हवाले से। आपने जो है 12वें और 13वें ईयर्स के प्रोग्राम का आपने जो है इसको क्या होगा तालीम देनी होगी, यानी 10th और 11th को। तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो है एक्सपीरियंस वगैरह भी यहाँ पर आपको दी हुई है। हम करेंगे कि आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है आप सबको दिखा दूंगा। थोड़ा सा बैक जाते हैं, नेक्स्ट आपको कोई वैकेंसी दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट वैकेंसी इसमें कौन सी है। नेक्स्ट वैकेंसी को ओपन करते हैं। आगे मैं आपको तरीका भी बताऊँगा किस तरह से आपने जो है अप्लाई करना है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं प्राइमरी सब्स्टिट्यूट क्लास टीचर के लिए जो है हम इसको क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसमें जो है कौन कौन सी ये है अपलोड डाउनलोड हो रही है, कौन कौन सी असामियाँ हैं इसके लिए। हम इसको जो है ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको जो है स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश स्कूल में जो है स्कूल जद्दा में करंटली एडवर्टाइज हुई है अगस्त 2024 के लिए, और इसमें जो है रिक्वायरमेंट आपके लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप देख सकते हैं प्राइमरी सीख अपॉइंटमेंट जो है वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर की ज़रूरत है, और इसके अलावा नीचे आप इसकी मुख्तलिफ किस्म की ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी इसमें जो है। ये प्राइमरी सेक्शन के लिए आपके पास ये जो है वो होंगे लेंगे, और इसके अलावा टीचिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। टीचिंग डिग्री कौन सी होती है, टीचिंग डिग्री ये होती है कि आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन हो टीचिंग से रिलेटेड हो, जैसे कि आपके पास एमबीबीएस वगैरह की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, डीवीएम वगैरह, तो इस पर आप जो है टीचिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
इसके अलावा आपको जो है अच्छी सी बोलनी और लिखनी आनी चाहिए इंग्लिश। इसके अलावा आपकी एब्सेंट यानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट आपके पास होनी चाहिए, टीम वर्क वगैरह आपके पास होनी चाहिए, बाकी आम सिंपल सी बातें हैं। तो ये इसमें जो है इन्होंने शेयर की है, या अभी न्यू न्यू आई हैं जॉब्स। तो अभी हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कि आपने जो है बाकी भी सारी इस तरह से हैं, अभी हम स्पेशली जाएंगे कि किस तरह से आपने जो है इसके लिए अप्लाई करनी है। तो सिंपली हम मैं बैक जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं हम आ गए यहाँ पर। थोड़ा सा आपने यहाँ पर क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों दो टाइप की हैं, एक है टीचिंग एक है नॉन टीचिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की जॉब है, जैसा कि इनको नर्स की ज़रूरत है, लाइफ गार्ड की ज़रूरत है, तो ये नॉन टीचिंग में भी आते हैं, बाकी सारे जो है टीचिंग की जॉब हैं। तो हम क्या करते हैं, हम तो टीचिंग पर अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, ओपन करना है। जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचिंग का ये ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है ओपन हो गया है। यहाँ पर आपने क्या करना है, पोजीशन अप्लाइंग फॉर, यानी यहाँ पर किस पर आपने अप्लाई करना है, यानी टीचर का और वगैरह, या आपने अभी जो हमने डाउनलोड किया है प्राइमरी सेक्शन के लिए अप्लाई करना है, उस पोस्ट का नाम लिखना है जो वहाँ पर मेंशन है। फर्स्ट नेम शोर नेम यहाँ पर लिखना है, फर्स्ट नेम यहाँ पर आपने जैसे लिखना, आपका नाम जो है दो टुकड़े में होगा, दो पार्ट्स में होगा, तो सबसे पहला पार्ट्स यहाँ पर लिख लें, सेकंड पार्ट्स यहाँ पर। एड्रेस आपने जो है फुल लिखनी है जो आप किसी नेसी के बैक साइड पर होती है। ईमेल आपने वही लिखना है जो आप यूज़ कर रहे हैं, इस पर आपको ईमेल आएगा। टेलीफोन नंबर आपके पास है नहीं है तो यहाँ पर आपने डॉट सिंपली टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपने लिखना है, लेकिन मोबाइल नंबर के साथ आपने +92 लिखना है, इसके बाद मोबाइल नंबर को लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर आप मेल फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मेल हो फीमेल हो जो। नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी टाइप करनी है। रिलीजन आपका क्या है, इस्लाम है। पासपोर्ट नंबर यहाँ पर आपके पास पासपोर्ट होगा नहीं है तो यहाँ पर डॉट डाल दें, नहीं तो पासपोर्ट नंबर यहाँ पर लिख दें, पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है। पासपोर्ट इशू डेट आपने जो है यहाँ पर जिस जगह पर आपको इशू किया गया है वो प्लेस जगह आपने लिखनी है, जहाँ पर इसका ऑफिस है, जिस ऑफिस से आपको जो है जारी किया गया है। इसके बाद पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट होता है। इसके बाद मर्टियल स्टेटस जो होता है, यानी आप सिंगल हैं, सिंगल है तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल लिखना है, अगर आप मेरिड है तो यहाँ पर अपने पार्टनर का नेम लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसको छोड़ देना है ब्लैंक। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर आपने क्या करनी है, यहाँ पर आपने वो क्वालिफिकेशन नो लिखनी है, इंस्टीट्यूशन के नेम और सब्जेक्ट स्टडी लिस्ट यहाँ पर आपने तैयार करनी है। जैसे कि अभी आप जो है एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो स्कूल का नाम लिख दें, पिछले स्कूल में पढ़ाया था तो उसको अभी नाम लिख दें, और आगे जो है जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं डेट के साथ इसको भी लिख दें। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री यानी प्रेजेंट एंड लास्ट अपॉइंटमेंट ये भी यहाँ पर लिख दें, प्रेजेंट आपकी जो है उसके साथ प्रेजेंट लिख दें, आगे लास्ट अपॉइंटमेंट जो है जो कि पिछले दूसरे स्कूल में थी तो उसका नाम लिख दें। स्कूल नेम यहाँ पर आपने लिखना है जिस स्कूल में आप अभी आप करंटली हैं। इसके बाद एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर उस स्कूल का जिसमें आप करंटली जॉब कर रहे हैं। डेट ज्वाइन स्कूल यानी इस जो स्कूल को आपने कब ज्वाइन किया है तो इसको आपने लिखना है। लेंथ इन पोस्ट यानी इस पोस्ट पर आपने कितना टाइम गुजारा है तो वो आपने लिखना है, पिछले और करंटली को मिला के। प्रीवियस अपॉइंटमेंट यानी पिछला जो आपका प्रीवियस स्कूल गुजरा है तो इसके आपने सिंपली इसकी थोड़ी सी डिटेल देनी है। रीसेंट कोर्स अटेंडेंट गिव्स डेट यानी आपने अभी अभी जितनी भी कोर्सेज की आप इनको दे रहे हैं इसके साथ आपने डेट्स वगैरह भी लिखनी है, जो जो पीरियड आप ले रहे हैं इसके हवाले से बात हो रही है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आपने ये करना है कि मैंने इसके ऊपर ये तजर्बा किया, इसको फिज़िकली ये सिखाया, ये वगैरह सब कुछ आपने इंग्लिश में थोड़ा सा लिखना है। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन एनी अदर इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन यानी आपका जो एप्लीकेशन है इसको सपोर्ट करने के, और दूसरी इंफॉर्मेशन आप ये कहें कि इनर्जेटिक वगैरह हूँ, पंचुअल वगैरह हूँ, इस तरह से कुछ लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है रेफरीज यानी इंक्लूड करंट और लास्ट एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी आपके जो करंट एम्प्लॉय है इस पर आपने जो है ये लिखना है और डिटेल देनी है। लास्ट जो है इस पर आपने देना है और डिटेल देनी है। यहाँ पर जो है आपने सिंपली अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और नीचे जो है आपने अपनी CV अपलोड करनी है, और उसके बाद फिर आपने सबमिट करना है। आपकी CV जो है 3 पेजेस पर होनी चाहिए।
सीवी का जो है आपको नहीं पता तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है चैट जीपीटी पे, वहाँ पे लिखना है कि मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और इसके लिए मुझे सीवी फॉर्मेट दे दें, तो सीवी फॉर्मेट दे देगा। आपने सिंपली इसको कॉपी करना है, एमएस वर्ड पे जाना है, वहाँ पर आपने इसको जो है पेस्ट कर देना है, और फिर सिंपली वहाँ पर आपने क्या करना है, इसमें एडिटिंग करनी है, और इस तरह से फिर आपकी अप्लाई हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल जॉब एमसीक्यूज़ उसको सपोर्ट करें। तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।